जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, अगर आप अभी भी विंडोज 10 का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको यहाँ पे स्लो परफॉर्मेंस और लैगिंग का इश्यूज आ रहा है, आप गेमिंग करते हैं तो वहाँ पे पुअर परफॉर्मेंस मिल रहा है, FPS ड्रॉप देखने को मिल रहा है, तो बस जो 5 सेटिंग मैं आपसे यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ, इनको यहाँ पे आप अप्लाई करिएगा और बहुत ज़्यादा फर्क यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। और अगर गाइस आपके लिए ये वीडियो काम करता है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। किसी तरह के डाउट के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो सबसे पहले गाइस, आपको यहाँ पे विंडोज की सेटिंग ओपन करनी है, तो उसके लिए अपने विंडोज आइकन पे राइट क्लिक करिए, सेटिंग्स में जाइए और सेटिंग में यहाँ पे आपको सबसे पहले सिस्टम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे लेफ्ट एंड मेन्यू ऑप्शन में मिलेगा नोटिफिकेशन एंड एक्शन, यहाँ पे आप क्लिक करिए और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आने पे देखिए एक ऑप्शन मिलता है गेट टिप्स ट्रिक एंड सजेशन एज यू यूज विंडोज। अगर ये ऑप्शन आपका चेक है तो इसको आपको अनचेक करना है। बाकी अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं चाहिए तो इन सबको भी आप यहाँ पे अनचेक कर सकते हैं। अब इसके बाद लेफ्ट एंड मेन्यू ऑप्शन में आपको मिलेगा स्टोरेज वाला ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे आपको सारी कैटेगरी शो करेगी जिन्होंने यहाँ पे आपका स्पेस ऑक्यूपाई करके रखा है। तो यहाँ पे आपको लुक करना है टेम्परेरी फाइल्स पे, इस पे यहाँ पे आप क्लिक करिए और फिर यहाँ पे ये देखिए सारी सब कैटेगरीज शो करेगा जिन्होंने टेम्परेरी फाइल को यहाँ पे ऑक्यूपाई करके रखा है। तो यहाँ पे आपको रिसाइकल बिन, डाउनलोड, विंडोज़ अपडेट, क्लीनअप सारी फाइल देखने को मिलेंगी। तो अगर आपको डाउनलोडेड आइटम नहीं चाहिए, रिसाइकल बिन आइटम नहीं चाहिए तो इन सब को यहाँ पे आप चेक कर लीजिए। अगर आपको कुछ भी चाहिए लाइक रिसाइकल बिन या डाउनलोड तो उसको यहाँ पे आप अनचेक कर सकते हैं। बाकी सबको यहाँ पे आप चेक करिए और चेक करने के बाद टॉप में आपको मिलेगा रिमूव फाइल, यहाँ पे आप क्लिक करिए और यहाँ पे ये रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये यहाँ पे डिलीट हो जाए उसके बाद दोबारा से यहाँ पे विंडोज़ आइकन पे राइट क्लिक करिए, सेटिंग्स में जाइए और यहाँ पे देखिए नीचे आने पे आपको मिलेगा प्राइवेसी वाला ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए विंडोज़ परमिशन देखने को मिल रहा है, तो हमें इन सारी परमिशन को यहाँ पे डिसेबल करना है। इन सब को यहाँ पे हम डिसेबल करेंगे, फिर स्पीच में इसको डिसेबल करेंगे, इंकिंग एंड टाइपिंग पर्सनलाइजेशन इसको डिसेबल करेंगे, डायग्नोस्टिक फीडबैक को भी डिसेबल करेंगे। फिर आ जाता है ऐप परमिशन, अब यहाँ पे आपके ऊपर है, अगर आप लोकेशन यूज़ नहीं करते तो आप इसको यहाँ से आप डिसेबल करिए, अगर आप कैमरा यूज़ नहीं करते तो डिसेबल करिए, माइक्रोफोन यूज़ नहीं करते तो इन सब को आपको डिसेबल करना है, ये आपके ऊपर है। यूज़ करते हैं तो रहने दीजिए, नहीं यूज़ करते तो डिसेबल करिए। लेकिन कुछ चीज़ें और भी हैं नीचे लाइक कॉन्टैक्ट्स हैं जो शायद कोई नहीं यूज़ करता, कैलेंडर है इसको भी डिसेबल करिए, फ़ोन कॉल कोई यूज़ नहीं करता, कॉल हिस्ट्री है इसको डिसेबल करिए, ईमेल क्लाइंट आप यूज़ नहीं करते, आप ज़्यादातर जीमेल या हॉटमेल वगैरह याहू यूज़ करते हैं जो अपने ब्राउज़र से ही आप यूज़ करते हैं, अगर आप ईमेल क्लाइंट यूज़ करते हैं तो आप इसको आप रहने दें। अब इसके अलावा मैसेजिंग है, रेडियोज़ है, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपका जो है रिसोर्सेज ऑक्यूपाई करता है तो इसको यहाँ पे आपको डिसेबल करना है। अब इसके बाद नीचे आपको मिलेगा बैकग्राउंड ऐप वाला ऑप्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर यहाँ पे आप क्लिक करिए और क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे कह रहा है लेट ऐप रन इन द बैकग्राउंड, और ये सारी एप्लीकेशन जो आप कभी यूज़ भी नहीं करते ये बैकग्राउंड में आपके रन होती है और बहुत सारा रिसोर्सेज लेने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा लैगिंग और स्लो परफॉर्मेंस होता है, इसको यहाँ पर आप डिसेबल करिए। फिर यहाँ से आपको बैक आना है और बैक आने के बाद यहाँ सेटिंग में पर्सनलाइजेशन वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करिए, फिर यहाँ पे कलर्स पे क्लिक करिए और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है ट्रांसपेरेंसी इफ़ेक्ट, तो ये अगर आपका ऑप्शन इनेबल्ड है तो इसको यहाँ पे आपको डिसेबल करना है। क्लियर, इतना करने के बाद इसे क्लोज करिए। नेक्स्ट राइट क्लिक करिए अपने विंडोज़ आइकन पर, सजेशन में चूज़ करिए टास्क मैनेजर, टास्क मैनेजर में टॉप पर आपको मिलेगा स्टार्टअप। अब देखिए यहाँ पे जितनी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है और इसको यहाँ पे आपको डिसेबल करना है, हम नहीं चाहते ये सारी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हमारे विंडोज़ के साथ स्टार्ट हो, जिससे विंडोज़ बहुत देर में स्टार्ट भी होता है और ये बैकग्राउंड में रन होती है तो उससे हमारा परफॉर्मेंस भी डाउन हो जाता है। तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन लाइक आपका एज है तो इस पर राइट क्लिक करिए, डिसेबल करिए, वन ड्राइव है इसको डिसेबल करिए, फोन लिंक है, स्काइप है, डिस्कॉर्ड हो सकता है, स्टीम हो सकता है, ऐसी कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो आप मैनुअली ओपन करके यूज़ कर सकते हैं। बस यहाँ पे आपको किसी भी तरह की ऑडियो फाइल, वाईफाई फाइल, एंटीवायरस फाइल को टच नहीं करना है। क्लियर, इतना करने के बाद इसे भी यहाँ से क्लोज़ करिए।
नेक्स्ट विंडो सर्च पे आप यहाँ पे क्लिक करिए, टाइप करिए sysdm.cpl, एंटर कराइए। सिस्टम प्रॉपर्टीज का बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पे टॉप मेन्यू ऑप्शन में आपको एडवांस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे परफॉर्मेंस में आपको मिलेगा सेटिंग वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करिए। और देखिए यहाँ पे ये आपका सेट होगा, लेट विंडोज चूज व्हाट बेस्ट फॉर माय कंप्यूटर। तो देखिए यहाँ पे सारे एनिमेशन आपके यहाँ पे सिलेक्टेड हैं जो आपके रन हो रहे हैं और ये भी रिसोर्सेज लेते हैं जिनकी वजह से परफॉर्मेंस में आपको काफ़ी कमी आती है। तो हम इन अनवांटेड ऐप एनिमेशन को डिसेबल करेंगे और जो ज़रूरी है बस उसी को यहाँ पे इनेबल करेंगे। तो यहाँ पे चूज़ करिए एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस थर्ड ऑप्शन को, और यहाँ पे शो थंबनेल इंस्टेड ऑफ आइकन और स्मूथ एजेस ऑफ ए स्क्रीन फॉन्ट, बस इन दोनों को यहाँ पे आप चेक करिए, अप्लाई करिए। और अप्लाई करने के बाद टॉप में ही आपको फिर दोबारा से एडवांस्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे मिलेगा आपको वर्चुअल मेमोरी का ऑप्शन। तो यहाँ पे हम वर्चुअल मेमोरी को भी बढ़ा लेते हैं ताकि अगर हम मल्टीपल एप्लीकेशन पे काम करें तो हमें किसी तरह की यहाँ पे लैगिंग और फ्रीजिंग की प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे आप चेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए और यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली पे सेट होगा, इसको अनचेक करिए और यहाँ पे कस्टम पे सिलेक्ट करिए। अब यहाँ पे आपको फिल करना है इनिशियल साइज और मैक्सिमम साइज अकॉर्डिंग टू माइक्रोसॉफ्ट। जो भी आपकी फिजिकल मेमोरी है, रैम है, उसका 1.5 टाइम MB में आपको इनिशियल साइज में डालना है और जो भी आपकी फिजिकल रैम है उसका 3 टाइम आपको डालना है मैक्सिमम साइज में। तो यहाँ पे अगर हम अपनी रैम को चेक करें उसके लिए आप टाइप करिए सिस्टम इन्फो, सजेशन में चूज करिए सिस्टम इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे देखिए आपकी फिजिकल मेमोरी शो करेगी। तो हमारे यहाँ पे 6 GB की रैम है। तो जो भी आपकी रैम है आप यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करिए और पहले जो भी आपकी रैम है उसको आप जो है कन्वर्ट करिए MB में। तो 1 GB में होते हैं 1024 MB। तो मेरे यहाँ पे 6 GB रैम है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। अगर आपकी 8 है, 4 है तो आप उससे मल्टीप्लाई करिए, एंटर कराइए। अब ये हमारी वैल्यू आ गई है MB में। अब इसको हम 1.5 टाइम करेंगे इनिशियल साइज के लिए, तो 9216 आ गया। इसको यहाँ पे एंटर कराएंगे, दोबारा से यहाँ पे इसे हम क्लोज करते हैं और यहाँ पे 1024 × 6 ये आ गया हमारा MB में। अब मैक्सिमम साइज के लिए 3 टाइम करेंगे तो इंटू यहाँ पे 3 कर देते हैं तो ये आ गया 18432। ठीक है, सेट पे क्लिक करिए, ओके पे क्लिक करिए, ओके और ओके। इतना करने के बाद बस इसे यहाँ से आप क्लोज करिए। अब बस हमारा यहाँ पे 2 काम बचा है जिसमें हम कुछ जंक वायरस वगैरह को भी डिलीट करेंगे। तो उसके लिए अपने विंडोज आइकन पे राइट क्लिक करिए, रन पे क्लिक करिए, यहाँ पे टाइप करिए टेम्प, एंटर कराइए। यहाँ पे ये सारी टेम्परेरी फाइल को कंट्रोल ए करके सेलेक्ट ऑल करिए, राइट क्लिक करके इसको यहाँ पे आप डिलीट कर दीजिए। जैसे डिलीट हो जाए दोबारा से राइट क्लिक करिए, विंडोज आइकन पे रन पे क्लिक करिए और इस टाइम टाइप करना है %temp%, ओके पे क्लिक करिए, दोबारा से कंट्रोल ए करके सेलेक्ट ऑल कराइए और इसको यहाँ पे डिलीट कर दीजिए सारे फाइल्स को। बस इतना करने के बाद फाइनली अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक यहाँ पे हमें हिटमैन प्रो का स्कैन रन करना है। तो जो भी वायरस मैलवेयर इन्फेक्शन होगा वो यहाँ से क्लीन हो जाएगा। तो अगर बहुत टाइम ऐसा होता है कि बहुत सारे इन्फेक्शन मैलवेयर की वजह से भी आपका कंप्यूटर स्लो चलता है तो यहाँ पे ये एक फ्री टूल है, आपको आना है इस वेबसाइट पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे फ्री 30-day ट्रायल वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए, डाउनलोड 32/64 bit जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उस पर क्लिक करिए। जैसे ही ये डाउनलोड हो जाए इस पर यहाँ पे आप क्लिक करिए, ये इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट और यहाँ पे आप सेलेक्ट करिए नो आई ओनली वॉन्ट टू परफॉर्म अ वन टाइम स्कैन, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करिए। तो ये देखिए यहाँ पे स्कैन होना स्टार्ट हो जाएगा। जितने भी तरह के इन्फेक्शन मैलवेयर टूल होंगे आपके कंप्यूटर में जो हार्म कर सकते हैं वो यहाँ पे स्कैन करेगा और आपको इंस्ट्रक्ट करेगा कि कैसे उसको डिलीट करें। आपको सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, क्लियर। तो यहाँ पे आप येस पे क्लिक कर दीजिए और देखिए जो भी इन्फेक्शन है वो यहाँ पे शो भी कर रहा है कि कोई ट्रैकिंग कुकीज़ वगैरह थी तो वो सारी यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिलीट हो गई हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये स्कैन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है उसके बाद फाइनली आपको अपने विंडोज़ को यहाँ पे रीस्टार्ट कराना है। अब इसके बाद आपको काफ़ी फ़र्क देखने को मिलेगा और देखेंगे कि विंडोज़ 10 का परफॉर्मेंस अब काफ़ी बूस्ट हो गया है और जो लैगिंग इश्यूज़ थे वो भी यहाँ पे आपके रिजॉल्व हो गए।
तो दैट्स ऑल गाइस, आज के लिए इतना ही। होपफुली आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।